बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज के व्लॉग में तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किधर घूम रहा है। तो जी भाई, मैं आजकल जो है ना डेली बिला रूटीन से बिला नागा फजर के बाद आ जाता हूँ, और जैसे ही थोड़ी सी धूप आती है 7 बजे के करीब, तो मैं वापसी की तरफ रवाना हो जाता हूँ। कि हम लोग जो हैं वो बाहर आए हुए हैं, हो गया बादशाह। ये जी मारा बिल्ला। खैर, इन सब को लेके मैं बाहर आया था। अब भाई हमारा वापसी का टाइम है, मॉर्निंग में हम लोग आए हुए थे, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गालबन कोई समझ लें 1.5 घंटा तो मुसलसल हो गया इन्हें आए हुए, और अभी भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से वापस आना है। कुछ ज़बरदस्ती नहीं है, अगर ये आएँ तो आ जाएँ, मैं ख़ुद से वहाँ पर जाके दोबारा अगेन बैठ जाऊँगा, और ये लोग खुद आएँगे, क्योंकि अभी इनका सेक्शन 1 जो है वो भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, और वापसी को उन्हीं तीनों को रिपीट करते हुए 5 तक ये कंप्लीट कर गए, तब ये सेक्शन 6 में हम लोग पहुँचे। देखते हैं आगे, ये मुझे ये चेक करें, ये लास्ट सेक्शन है। इधर से जैसे इनका दिल करना है, क्योंकि वो रानी जो है वो पीछे खड़ी होगी, इसका मतलब रानी फुल हो गई है, और ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं सुबह लूसन ले के मैं घर छोड़ आया था, तो अभी इनका वेट करते हैं सेक्शन 6 से, जैसे ये क्रॉस करेंगे फिर हम लोग घर की तरफ चलेंगे। जी वही बात हुई, क्या लोग इनका हो गया मूड पूरा, तो अब ये जो है चल पड़े हैं घर को। लूसन हमने इनका पहले ही ला के रखा हुआ, सिर्फ जाके काट के डाल के इनको देना है, जिसके घर के इनको परवाह नहीं है अपनी मर्ज़ी से। मगर ये है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल होके तो फूल ही जाते हैं, मगर वाइट वाले की मस्तियाँ ना उधर ख़त्म होती हैं ना रस्ते में, तो ये बड़ी टेंशन वाली बात है। ये तो भाईजान रेस्ट टाइम के बाद देख सकते हैं कि इन लोगों का जो है लूसन वो इस टाइम हो गया है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे के करीब इनको ये लूसन दिया है, पहले ही काट के खुरलियों में रख देता हूँ। आजकल इनके पीछे वो जगह बनाई हुई है, इनको जैसे ही वहाँ से आते हैं पानी शानी ओपन पड़ा हुआ वहाँ पे वो पी के ये बांध देते हैं, और उसके बाद सफाई का एक भाई प्यारे भाई सफाई हम रेगुलर करते हैं, मगर आजकल जो है हमारी सफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि नीचे केजिस का काम स्टार्ट हुआ है, जिसके करके हम सारा टाइम जो है केजिस में मसरूफ रहते हैं, कि केजिस की जो है वो सारा ऊपर से उतारना, तीसरी मंजिल से नीचे फिटिंग कराना। अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट उसका काम कंप्लीट हो गया, नीचे वाली ईंटों की बाउंड्री रह गई है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह प्रॉपर इनको ही टाइम देंगे, इसलिए ये जो गंद वगैरह आपको नज़र आ रहा है इनके नीचे। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह माल देख सकते हैं पहले से परफेक्ट, और खा भी रहा है। सुबह में ये बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर इनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, और इस टाइम जो है आके ये यहाँ पर खा लेते हैं, और शाम में इनका हो जाएगा दाना। मुर्गियों की बात पूछें तो मुर्गियों को कर दिया बंद, नीचे का काम भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत ही रह गया उसको भी अभी करते हैं। मुर्गियों को भाई थोड़ी देर पहले ही बंद किया है, वो देख सकते हैं सामने अपने केजीज में है, और इधर ये पानी पड़ा हुआ है, पानी दोबारा भर देंगे पाइप के साथ, ताकि ये मज़ीद अगर पीना हो पी सके। चलो जी रेस्ट करते हैं, फिर नीचे चल के कुछ लगाते हैं। लो जी दाना हो रहा है, मिक्स कर देगा भाई, चार फाड़ा करना 5 किलो। हाँ देसी बड़ा, चल दे लो, चार नहीं पड़ा हुआ, रमान चार पड़ा हुआ, चल कर दियो कोई गल, कोई मसला ही नहीं, कर दियो। गुल्ली 5 किलो गुल्ली करना यार, ये कॉमन चीज़ें मिक्स करवा रहा हूँ एक बकरे के लिए, तो काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई दाने की क्वांटिटी, तो दाने की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से बनवानी होती है, कि आप कितना दाना जो अफोर्ड कर सकते हैं, कितना आप उसको डाल सकते हैं, इसलिए आप जो चीज़ भी मिक्स करवाएंगे आपने अपने हिसाब से ही करवानी है। तो ये देख लें जी, मेन 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, एक गुल्ली है, एक ये कनक है, एक मकई का दलिया है, और साथ में वो पड़ा हुआ मोटा दाना, ये 4 चीज़ें। उसके ऊपर आप छिलका डलवा लें, सूढ़ी बन डलवा लें, चोखा डलवा लें, वो आपने अपने पैसों को थोड़ा कम करने के लिए जो उसमें करना आप कर सकते हैं। लो भाई हाथों को हो गया बुरा हाल, इनको डाल दिया दाना, ये देख लें आजकल ड्राई हमने जो शुरू किया वह अपना वंडा शंडा वही सारी चीज़ें मिक्स करके इनको दे रहे हैं, और TMR वगैरह, बाकी अल्लाह का शुक्र है पहले से जानवर बहुत बेहतर है, चेक करें माशाल्लाह। चलो खा लो खा लो। लो जी मुर्गियों का दाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, पहले मुर्गियों को भी दिए जाते हैं दाना। मेन चीज़ क्या है, इनको ड्राई पे लाने का मकसद क्या था, कि यार जानवर जो है ना अब पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर है, अपने ही अंडा तैयार किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह,
वो इन्हें दे रहे हैं सारी चीज़ें क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स करके, हर चीज़ की एक एवरेज निकाली है, निकाल के तो गालबन ये हमें पड़ रहा है बहुत ही प्योरिटी में जो बंडा हमें पड़ रहा है 160 के एक करीब पड़ रहा है, 160 रुपये किलो देसी बंडा है, सारी चीज़ें मिक्स करके एक लेवल के हिसाब से बनाया। 30 किलो जो है वो समझ लें कि 35 किलो जो है वो 160 के हिसाब से पर केजी पड़ रहा है। तो माशाल्लाह चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी पहले से बहुत बेहतर है। आप चलें पहले मुर्गियों को डाल लेते हैं और फिर इनको, इन्हें पता लग गया जी दाना आ गया, सारी रेडी होगी। चलो चलो चलो, आ आ आ, सब्र करो, वेट करो, वेट इस तरह नहीं देना तुम्हें। चलो उधर चलो, चलो चलो खाओ, चलो शाबाश, जल्दी से खा लो। भाई ये स्पेशल देसी तरीके से तैयार की है, कोई फीड, कोई चैन चक्कर, कोई बर्तन, कोई चक्कर नहीं है, देसी खुराक, देसी से मुराद के इनके साथ ही ये सारा दिन खेलती रहती हैं, पलती रहती हैं। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह इनका केज बना तो इन्हें मैंने बंद किया है, नहीं तो अदरवाइज़ ये ओपन ही रही हैं, और जो अभी अंडे देंगी वो प्योर देसी होंगे। और इंशाल्लाह अभी और एक जगह से हमारे पास मुर्गियाँ आ रही हैं, वो कुछ सेल के लिए भी हैं और कुछ वैसे भी हैं, मगर जैसे आएंगे इंशाल्लाह वैसे आपको अपडेट मिल जाएगी। और व्हाट्सअप नंबर जो है वो अपना अपना शहर और अपना नाम बताते रहा करें, ताकि सेव करता रहूं, जो भी आपका शौक हो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। चले नीचे चलते हैं अपने बर्ड्स के पास जी। तो भाई हमारी यहाँ पे अब जो है कितना काम हो चुका है वो आपने अगर नहीं देखा तो आप देखेंगे एज ए पेट्स लवर पे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा काम कम्प्लीट हो गया है। क्या काम कम्प्लीट हो गया है आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग देखें इस कलोनी, जो नई कलोनी है इसमें काफ़ी हद तक कुजे लग गए हैं, जोड़े भी छोड़ दिए हैं। ये कुछ दिनों के लिए वैसे छोड़े थे, एग्जी के एक पेड़ छोड़ा है, होगू के 2-3 पेड़ छोड़े हैं, मैं कहा यार ज़रा फ्री फ्लाई मार लें ये लोग। और इधर माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे बर्ड हमने इधर छोड़े हुए हैं, ऊपर कुजे भी लगा दिए हैं प्रॉपर। और इस कुजों के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ने चाहा बरकतों वाला सीज़न आने वाला है, बहुत उम्मीद है कि बर्ड्स हमारे कुछ ना कुछ अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो हमें दिखाएं। तो अभी तो भाई के ख्याल 40 कुजा जो है लग गया है बड़ा इजीली, और बड़ा वो खुला डुला कुजा लगाया 40 के, इसमें लड़ाई का या कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। और अभी इसमें हमने 11 जोड़े छोड़े हैं, और अभी तक देख लें 11 जोड़े आपके सामने बैठे हैं, तो काफ़ी बड़ी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इंशाल्लाह बर्ड्स खरीदते और फिर इसमें कम्प्लीट करते हैं। चलें मैं साथ साथ काम कम्प्लीट कर लूँ जो मेरा रहता है, और इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट होता है, और जो जो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं वो आपको दिखाई जा रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि वेट करना पड़े, मगर अगर आप प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं एज ए पेट्स लवर यूट्यूब चैनल को सर्च करें और प्रॉपर इनकी वीडियोस देखें, जिसपे हर किस्म की गाइडनेस, जैसे कि जोड़े लगाए थे उसकी वीडियो लगाई, फिर कुजे लगाए उसकी वीडियो लगाई, अब आगे जो डालने हैं सारी चीज़ों की, ईच एंड एवरीथिंग इनकी डिटेल वहाँ पर मौजूद।